ओम शांति। 3 अगस्त 2020, साकार बाप दादा की मुरली। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठी बच्ची तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, ज्ञान और योग है तो दूसरों को सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? कौन सा विघ्न पड़ता है जिसके कारण उछल नहीं आती है? उत्तर, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, गंदी नजर। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, ग्रस्त व्यवहार में रहते पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है, भारी हो जाती है। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते, क्योंकि सेवा में उछल हो सकते हैं जो हल्के हो, और जो भारी हो वो नहीं उछल सकते। गीत चला, जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए, या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे। ये गीत किसने बनाया है? मनुष्यों ने ही बनाया है ना? ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। उन्हें भी टच किया कि ऐसा गीत बनाएं जो फिर परमात्मा आएंगे, ज्ञान समझ जाएंगे, उस समय ये काम आएगा। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर ले, इनका गांव अपने हाथ करें। अब वे सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है
और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है नहीं, और जितने भी धर्म हैं उनको ये नॉलेज डायरेक्ट नहीं मिलेगी। बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है, भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर हमको पवित्र बनना है, वापस घर जाना है, बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, अर्थात बाप का कहना मानना है। तब पवित्र बन अपने घर जाएंगे। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है, कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती, न शांति धाम को जानती है और न सुख धाम को जानती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान सागर की ही एक गीता, ज्ञान सागर की ही है एक गीता जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है और किसी को कोई भी ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वे ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। ज्ञान का सागर ज्ञानवान बाबा आकर जब ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है तो क्या कहेंगे, उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में अभी वे ताकत आई नहीं है। जो किसको अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें
बाल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें सर्विस वृद्धि को कैसे फाये? संगठन बनाएं जिसमें युक्तियां निकालें सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं, माथा मार रहे हैं, माथा मार रहे हैं। नाम भर शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कितनी कमाल की बात है बहने, है तो शक्ति सेना परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को पढ़ाती है, अनपढ़ और पढ़ाती किसको है? पढ़े लिखों को पढ़ाती। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है, तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं परंतु वे क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती, गंदी नजर ठीक नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं, कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव करो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया उसका नाम गीता रखा, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस की विद्वत मंडली वालों को समझाओ, बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है,
बाप बार बार समझाते रहते हैं, नंबर वन दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात है कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, और फिर कल्प पहले माफिक इस सृष्टि के भी मालिक बनते। ये पक्का है जरूर विश्व का मालिक बनना ही है, अभी तुमको तीन पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़ें। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना, इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं, दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी है, होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं। आपस में खीर खंड होना चाहिए, अपना पांडवों का किला तो बनाएं। किला बनाना मना संगठन में एकजुट होकर रहना, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो भारत हमारा देश है और हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है, किससे? बेहद के बाप से। इतनी मदद कोई दे ना सके, अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, बाप क्या देते हैं? विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए, तो हौसला बहुत चाहिए। झारमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है, इधर की बातें उधर की बातें, व्यर्थ बातों में बहुत टाइम गंवा देते। बंधनों की आफत है माताओं पर। बंधनों की आफत किस पर है? माताओं पर। मेल्स पर कोई बंधन नहीं, माताओं पर इतने बंधन है, मेल्स पर पुरुषों पर कोई बंधन नहीं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ना। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो, स्त्री तो जैसे पूंछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों का इतना मोह नहीं रहता है, उनकी तो एक जुत्ती गई, एक पत्नी मरी, दूसरी कर ली, दूसरी मर गई, तीसरी कर लेते।
आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये तो बताओ, ये हमारे ऊपर आफते आई हैं, इसमें आप राय दो, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने, ऐसी ऐसी बातें बताने नहीं आए, बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर, कोशिश कर, आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, धीरे 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 तो सेवा हो रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं, बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी पड़ी है, उमंग ही नहीं है। छठ देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान सत्यानाश करता है, देह अभिमान ने ही सत्यानाश किया है। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं, उसने सत्य का नाश किया, माया ने सत्य का नाश किया, अब बाप सत्य को ऊंचा करने की कितनी सहज बातें बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं, नहीं तो शक्ति आती नहीं। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं, हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जोहर भी चाहिए। याद का जोहर माना याद का अनुभव, याद की शक्ति। जोहर कहते हैं तलवार की धार को, तो यहां जोहर मतलब याद की शक्ति। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। याद की यात्रा माना मेरे अंदर हर रोज हर सेकेंड चढ़ती कला हो रही है, तो याद की यात्रा है। मेरे में सुधार आ रहा है तो याद की यात्रा है। यदि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, पहली क्लास में था, पहली क्लास में हूँ, और मेरे में अब
कोई सुधार नहीं आ रहा तो मैं याद की यात्रा पर नहीं हूं। ज्ञान की तलवार अलग चीज है, याद की यात्रा अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर चाहिए। अनुभव से कोई बात कहो वो है नहीं तो काठ की तलवार हो जाती है, घायल ही नहीं होता कोई। कितना ज्ञान की तलवार चलाते घायल नहीं होता। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वे तो हिंसक हैं। जिससे लड़ाई वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद की बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, गंदी नजर बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है, बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं, याद की यात्रा में कच्चे हो। तुम्हें सुधार नहीं आ रहा, तुम्हें सुधार आए तब तो वो भी ज्ञान में आए। तुम पहली क्लास में ही खड़े हो, तुम्हारे में सुधार दिखता नहीं, वो किस लिए आए? उनको लगे कि इनके जीवन में कितना सुधार आ गया है तो उनका भी दिल करे कि हम भी जाएं। क्या वंडरफुल बात बाबा समझाते हैं। याद की मेहनत करो, ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त है। मुरली चलाओगे वो तो सबके सामने है, परंतु याद तो गुप्त मेहनत है। जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं किसी खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं हो पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितना प्रकार से समझाते हैं बाबा, कितना प्रकार से समझाते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है,
ऊंचते ऊंच सेवा, बाप की याद ही है ऊंचते ऊंच सेवा। याद माना बाप के डायरेक्शन पर चलना, मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे कि मैंने मन से क्या सोचना है, वाचा से क्या बोलना है, कर्मणा क्या करना है। ये तीनों बाप के डायरेक्शन पर हों। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसी को दुख नहीं देना है, कोई एक कर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अलफ ने समझने से, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्लाह को ही नहीं समझा तो किसी को कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। पहले अल्लाह पक्का कराओ, अल्लाह को पक्का कराओ, की पहचान पक्की कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राज योग सिखलाकर फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है, छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है, कमांडर गफलत करते हैं तो उनको फिर डिसमिस कर दो। उनको फिर क्या कर दिया जाता है, डिसमिस कर देते हैं ना। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं, फां माना मर जाते हैं। अच्छा, मरने का मतलब क्या होता है, बाबा को छोड़कर रावण के बन जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी एक कर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है आज का, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है।
तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला है वो किसी को भी नहीं मिल सकता। ये नशा और खुशी स्थाई परमानेंट रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। ओम शांति।